इस तरह नो सिग्नल आपको देखने को मिलता होगा। कई बार होता है कि आप अपने छतरी को हिलाकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन नो सिग्नल तभी भी आता है। आपका छतरी बिल्कुल ठीक होता है, सिग्नल मिला हुआ होता है, आप किसी दूसरे सेटअप बॉक्स को भी लगाकर आप देखते हैं तो सिग्नल आ रहा होता है, लेकिन आपके सेटअप बॉक्स में सिग्नल नहीं आता और कोई भी चैनल नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, आप अपने छतरी को हिलाते हैं, कभी केबिल हिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन एक भी चैनल नहीं चलता है। और अगर आप सिग्नल चेक करते हैं तो सिग्नल आपको 0 दिखाई देता है, सिग्नल नीचे 4 या 5 दिखाई देगा, और सिग्नल क्वालिटी जो होता है बिल्कुल कम होता है, जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है वो 78-80 के आसपास दिखाई देता है, लेकिन एक भी चैनल नहीं चलेगा। और आपसे आगे पीछे करेंगे तो किसी पे भी कोई चैनल नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बिना छतरी को हिलाए डुलाए खुद ही आप अपने घर पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, नो सिग्नल आता है तो आप समझते हैं कि या तो हमारा सेटअप बॉक्स ख़राब हो गया है या हमारा छतरी का सिग्नल हिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक छोटी सी कमी के कारण ये आपको नो सिग्नल दिखाई देता है और आप समझ बैठते हैं कि हमारा सेटअप बॉक्स ख़राब हो गया है, और आप उसे मिस्त्री के पास ले जाते हैं और मिस्त्री आपसे 200-250 रुपये लेता है और ठग लेता है आपसे। तो ऐसे कंडीशन में आप खुद ही पहले घर पे ट्राई करके देखें, तब लेकर जाएं मिस्त्री के पास या खुद ही आप सेटअप बॉक्स को बनाएं। तो दोस्तों करना क्या है दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं द रवि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब मैं इस पर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों इसको हम सही करते हैं। तो दोस्तों आप देखते होंगे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सिंबल रेट 27,500 है, जबकि दोस्तों ये सिंबल रेट बंद हो चुका है काफ़ी दिनों से। अब जो सिंबल रेट होता है 29,500 चल रहा है, इससे पहले 28,500 था और उससे पहले 27,500 था। तो सिंबल रेट ये हमारा बंद हो चुका है 27,500। इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार गलती से या ऑटो हमारा जो रिमोट के बटन से क्या होता है, इसमें आप देखते हैं सिस्टम सेटअप और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाता है, जिस कारण हमारा जितने भी प्रोग्राम होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाता है। मतलब कि जिस तरह से कंपनी से बनकर आता है सेटअप बॉक्स उस मोड में चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आपको उल्टे पुल्टे चैनल दिखाई देंगे, जैसे कि आप देखेंगे नीचे डीडी गुजराती, डीडी कासिर, इस तरह के चैनल आपको दिखाई देगा, जबकि ये चैनल इस पे नहीं आते हैं। ठीक है, देखेंगे ईटीसी पंजाबी, ये सब चैनल नहीं चलते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आप अपने रिमोट से मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे। आपका रिमोट कोई सा भी हो सकता है, उसमें आपको मेन्यू का बटन देखिए और उसमें प्रेस करिए। जब मेन्यू का प्रेस करेंगे तो इस तरह का प्रोग्राम खुलेगा, उसके बाद आप आएंगे डिलीट प्रोग्राम पे, ऊपर से चौथा नंबर एडिट प्रोग्राम है, इस पर आप ओके का बटन दबाएंगे। ओके का बटन दबाने के बाद आप दूसरे नंबर पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है डिलीट ऑल प्रोग्राम, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे और वॉल्यूम डाउन की बटन से ओके करके ओके दबा देंगे। ठीक है, ओके दबाने के बाद इसके सारे चैनल डिलीट हो गया और अब लिखा हुआ आ रहा है नो टीवी प्रोग्राम। इससे पहले नो सिग्नल आ रहा था, अब नो टीवी प्रोग्राम आ रहा है। अब मेन्यू से मेन्यू का बटन दबा के वापस पीछे आएंगे और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम सेटअप, इसके ऊपर हम जाएंगे और ओके दबाएंगे और नीचे आएंगे ऑटो स्कैन, यहाँ पर आएंगे ओके दबाएंगे और यहाँ पे 5150 लिखा है, या तो आप यहाँ पे ही ओके कर दीजिए या यहाँ पर 9750 और इसमें भी 9750 रखकर
ये स्कैन मोड फ्री रहेगा और 22 के ऑफ और DQC ऑफ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद रिमोट के बटन से ओके दबा दीजिए तो ये ऑटो स्कैन होने लग जाएगा। ऑटो स्कैन होने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें जितने भी चैनल हैं वो सारे चैनल वापिस आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में यही होता है दोस्तों, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो गलती से रिमोट से डिफ़ॉल्ट वैल्यू का बटन प्रेस कर देते हैं और सारे चैनल डिलीट हो जाते हैं। डिलीट नहीं होते हैं दोस्तों, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चला जाता है और एक भी चैनल नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में आप ये की काम करें, छतरी को ना छेड़ें सबसे पहले, आप अपने सेटअप बॉक्स को एक बार सारे चैनल को डिलीट कर लें और ऑटो स्कैन करके देख लें तो आपके सारे चैनल आ जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आपको सेटअप बॉक्स बनाने की वीडियो देखनी है तो इस चैनल पे ढेर सारी वीडियो है जिससे कि आप अपना DD फ्री डिश के सेटअप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। किसी भी फॉल्ट को, लगभग मैंने लगभग सभी फॉल्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये स्कैनल ऑटो स्कैन हो चुका और आप यहाँ पे देखेंगे सिंबल रेट 29,500 आ रहा है, पहले 27,500 था जो कि बंद हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको ऑटो स्कैन करके अपने चैनल को चला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 117 चैनल स्कैन होकर आ चुका है, 134 चैनल हो चुका है और 89% हुआ है। तो देख लेते हैं टोटल स्कैन करके और चैनल आपको मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए 100 हो गया बिजली, सड़क, बाजार और ये आदि इन देखिए सबका। चैनल चलना शुरू हो गया है। तो हाँ, दोस्तों एक पुलिस कर्मी भी आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।